हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज जो है हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी और मेरे साथ जो है मेरे एक दोस्त हैं मुबीन भाई, और ये भाई अपना मोटरसाइकिल ले आए हैं 70 और ये कह रहे हैं कि हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं जी सरगोधा। इनको मैं समझा रहा हूँ यार कि भाई मेहरबानी करो, मोटरसाइकिल जो है यहाँ खड़ा कर दो डेवो स्टैंड पे और यहाँ से बस पे चलते हैं। तो बड़ी मुश्किल ये माने, अभी मोटरसाइकिल इनका हमने यहाँ खड़ा कर दिए और अभी हम इनके साथ जो है जा रहे हैं सरगोधा। वहाँ हम किस लिए जा रहे हैं ये आपको मैं छरा रास्ते में बताऊँगा। तो आइए चलते हैं और टिकट परचेज़ करते हैं। अरे भाई जो है पर्ची बना रहे हैं, हमने कहा यार जो है हम 3-4 घंटे में आ जाएंगे वापस। भाई हमारा बाइक तो आगे पीछे नहीं करोगे? नहीं, कहीं भी नहीं। भाई कह रहे हैं कोई मस्ता नहीं। मैं भाई कहा भाई बाइक तो नहीं आगे पीछे होगा? भाई कह रहे हैं कोई मस्ता नहीं। मैंने कहा कोई मस्ता नहीं, वापस आके नवा ले लेना। ये दो दे दें टिकट, 6:30 बजे करवाई थी बुकिंग, वो गाड़ी जो है कह रहे हैं ड्रॉप है, 7 बजे जाएगी। अब ये यार बता दो कि ये कन्फर्म है 7 बजे? हम पहुंच चुके हैं जी सरगोधा और अभी बैठे हैं डेवो स्टैंड पे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम सरगोधा आए क्यों हैं। बेसिकली मुबीन भाई ने अपने लिए एक गाड़ी पसंद की हुई थी सरगोधा से, तो वो गाड़ी लेनी थी। तो इन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं तो आप मेरे साथ आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कि मेरा तो जो रूटीन का काम है वो गाड़ियों का काम है, लेन देन का। मैंने कहा ज़रूर आप साथ आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ डेवो स्टैंड पर बैठे हैं और जिस भाई से बात की हुई है तो वो आ रहा है डेवो स्टैंड पे, गाड़ी देखते हैं और पहले दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह करे सौदा हो जाए, वरना बहुत बस में जाना सफ़र करना बहुत यार मुश्किल है। मुझसे तो नहीं होता लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है गाड़ी का सौदा हो जाएगा तो वापसी गाड़ी भी जाएगी। क्या ख्याल है उम्मीद भाई? जी जी बिल्कुल जी, अल्लाह करे सौदा हो जाए इंशाल्लाह। गाड़ी लेते ही मुबीन भाई से हमने सरगोधा में ही ट्रीट लेनी है खाने की, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें ज़बरदस्त। मुबीन भाई जो है गाड़ी चेक कर रहे हैं और ये बिल्कुल लेवल स्टैंड है, साथ ही भाई आगे से ये आए हैं मेरे सामने सहीवाल से आगे रुका हुआ फरूख का। तो गाड़ी चेक कर रहे हैं, गाड़ी चेक करके अब देखते हैं क्या बनता है। गाड़ी तो पुरानी गाड़ी है, मैं कुछ थोड़ा बहुत काम शाम तो होता ही है लेकिन ओवरऑल सही लग रही है। मुबारक हो मुबीन भाई, बहुत बहुत आपको मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया। मुबीन भाई ने जी गाड़ी अलहमदिल्ला ले ली है और अभी हम मुबीन भाई की गड्डी पे बैठ के सरगोधा घूमेंगे। मुबीन भाई से खाना खाएंगे, सुबह हम निकले थे अर्ली मॉर्निंग, हमने नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद जो है हमने जाना है सरगोधा में, एक दो काम है मेरे वो करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह वापसी निकलेंगे। ये जी सरगोधा का काफ़ी फेमस होटल है अलहाज अब्दुल लतीफ़, चने वाले, उनके चने मज़े के होते हैं। तो यहाँ से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर आगे चलेंगे। क्या कह रहे हैं? खाना वगैरह हमने खा लिया
और अब हम जा रहे हैं जी, गाड़ी का जो है छोटा सा एक प्रॉब्लम है ब्रेक का, उसका जो पाइप का इशू है वो पहले लगवा लें और फिर हम जो है आगे निकलेंगे अपने सरगोधा सिटी में, एक दो बंदों से मिलना है, मिलकर फिर इंशाल्लाह वापसी का जो है बनाएंगे प्रोग्राम। दोस्तों अब हो चुके हैं हम फारिग और जो है मुबीन भाई ने गाड़ी ले ली थी, गाड़ी की थोड़ी सी मेंटेनेंस थी, गाड़ी की ब्रेक्स वगैरह का थोड़ा सा काम था, तो मैंने कहा लाहौर जाना है, ये काम ज़रूरी है, तो वो मेंटेनेंस उनकी हो चुकी है। और एक और मज़े की बात, मुबीन भाई को ड्रॉप करके मैं चला गया था यहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनसे मिलने के बाद जो है मुझे सरगोधा से मेरी पसंद की एक गाड़ी मुझे मिल गई, मुझे पता लगा सेल हो रही है, मैंने जाके देखी गाड़ी मुझे पसंद आई और मौके पे हमारी बन गई डील, तो मैंने उनको पेमेंट की और मैंने गाड़ी उठा ली। हम लोग फारिग हो चुके हैं सारे कामों से, बाज़ार जाने का असल में टाइम नहीं था हमारे पास, तो अभी हम आए हैं जमजम रेस्टोरेंट। मुबीन भाई ने अंदर ऑर्डर दिया हुआ था खाने का, मैं नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ी तो अभी अंदर देखते हैं। मुबीन भाई ने खाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि भाई लेट हो रही है, हमने जाना है वापसी लाहौर और मज़ीद देर ना हो। मुबीन भी बताएं कैसा टेस्ट है? मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत आला, मैं वो कह रहा था बहुत आला यार, बहुत ही आला टेस्ट है इनका जी। ये जमजम हांडी है लाहौर, जमजम सरगोधा जमजम रेस्टोरेंट पे, तो लाजमी ट्राई करें। हमने खाना वगैरह जी खा लिया, अब हम निकलेंगे वापसी लाहौर की जाने, क्योंकि रास्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, कोई लाइटिंग नहीं है सरगोधा से मुसलसल लाहौर मोटरवे तक, तो लाहौर मोटरवे से फिर आगे आपको पता है मोटरवे का सफ़र तो वैसे ही सेफ है, तो निकलते हैं। ये मुबीन भाई की गाड़ी खड़ी है और किधर गई मेरी छोटी सी मुन्नी सी मजन, ये खड़ी है जी होंडा N1। मुझे यार ये गाड़ी बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है, बहुत कमाल ड्राइव है इस गाड़ी की, छोटी सी है पर पूरा बम है बम। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद, बाय बाय।